नमस्कार, सिलवासा न्यूज लाइन में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। सिलवासा प्रेस क्लब द्वारा जिला प्रशासन से अनुरोध की एक प्रशासनिक कमेटी बनाया जाए, जिसमें साथ मिलकर समाज हित में कार्य किया जा सके। ऐसे में पहली बार इस तरह का प्रयास प्रशासक प्रफुल्ल पटेल जी के मार्गदर्शन में जिला समाहर्ता संदीप कुमार सिंह कर रहे हैं, जो सामाजिक उत्थान के लिए कारगर साबित होगा। सिलवासा प्रेस क्लब के अग्रणी ललित पटेल और आर एन सैनी ने की हमसे खास बातचीत। पेश है ये रिपोर्ट। इस तरह से यहाँ से एक नई पहल की गई है, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का ये पहल था और क्या एक जो प्रशासन की भागीदारी में जिस तरह से आप लोगों ने अपना एक पहला कदम बढ़ाया है, क्या कहना चाहेंगे? ड्यूरिंग कोविड 29 सोशल मीडिया के लिए कई सवाल उठते रहते हैं, तो हमने सिलवासा प्रेस क्लब की ओर से प्रशासन को कहा है कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी बने, इसके अंदर पत्रकार को भी शामिल किया जाए, ताकि कोई भी बात आई तो उसका हम लोग साथ में मिलकर निपटारा कर सके और जो भी गाइडलाइन बने बनाई जाएगी उसका हमारे सब सारे पत्रकार भाई हो, चाहे वो सोशल मीडिया से है, प्रिंट मीडिया से, इलेक्ट्रिक मीडिया से है, हम इसका पालन करेंगे, पालन करवाएंगे। जी, सच्ची और अच्छी खबरों को लेकर जिस तरह से हमेशा मीडिया एक कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा अहम कदम उठाती रही है, किस तरह से आगे आने वाले दिनों में एक अलग भागीदारी निभाने को तैयार हो रहे हैं आप लोग? ये जो प्रशासन के साथ में पत्रकारों को लेकर जो कमेटी बना रही है, लगता है उससे पत्रकार के लिए एक अच्छी पहल है। अभी तक हमारे पत्रकारों के साथ में कोई सुनाई नहीं होती थी, कोई पत्रकारों को पूछता नहीं था, लेकिन अब प्रशासन के साथ में सब पत्रकार साथ में होंगे तो शायद एक नया कुछ बढ़ेगा। आज हम देख रहे हैं कि पत्रकारों को प्रशासन में एक तरह से पूछा भी नहीं जाता है, यदि कमेटी में आएंगे तो अपन सब भाइयों को एक साथ आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा और पत्रकार जगत की एक नई पहल। धन्यवाद सर।